हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा घरेलू नुस्खा उनके लिए जिनको बार बार कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है। अब ऐसी अवस्था में अगर कोई दवाई पर, कोई अंग्रेजी दवाइयों पर डिपेंड रहता है और वो खाता रहे तो ठीक है, जहां छोड़ दी कुछ समय बाद दोबारा चेकअप करा फिर उसका बढ़ा हुआ रहता है। अब ऐसी अवस्था में वो ये सोचता है कि क्या मुझे दवाइयों पर हमेशा निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे देसी नुस्खे, कुछ हमारे घर में ही ऐसी चीजें हैं जो हमेशा के लिए वो स्थिर कर देंगी अगर कुछ समय के लिए आप लेंगे, बशर्ते यह है कि इसके बाद आप अपनी दिनचर्या ठीक करें, अपना खान पान ठीक करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कई बार देखा जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हाई हो जाते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल थोड़े से कम हो जाते हैं। अब बैड कोलेस्ट्रॉल में जैसे आपका ट्राइग्लिसराइड हो गया, सीरम कोलेस्ट्रॉल हो गया, एलडीएल वीएलडीएल हो गया, ये बैड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं। और गुड कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो एचडीएल लेवल हमारा डाउन हो जाता है। अब ऐसी अवस्था में बहुत कई तरह के कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की शिकायत रहना, घबराहट रहना, हमेशा बेचैनी सी रहना, और कई बार इस अवस्था में ऐसी भी पोजीशन आ जाती है हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। और सबसे बड़ा जो देखा जाता है किसी किसी को अगर एकदम ज्यादा ही परेशानी हो जाए तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट डिजीज तो मैंने बताया है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, पैरालिसिस के सिम्टम्स भी हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था को थोड़ा सा गौर दें, इसको इग्नोर ना करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप परहेज पर ज्यादा ध्यान दें, चिकनाई वाली चीजें, तली भुनी चीजें, मीट मच्छी अंडा मुर्गा, ये सारी चीजें आप अगर लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इसको अभी अवॉइड करें, ना लें। घी मक्खन मलाई, ये तली भुनी चीजें, ये सारी बाजारू भोजन जो जितने भी हैं, ये सारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करने में सहायता देते हैं, तो इन चीजों को आप अवॉइड करें। धूम्रपान, शराब, ये बीड़ी सिगरेट वगैरह, ये सारी चीजें आप अवॉइड करें अगर पीते हैं। चलिए, बहरहाल मैं आपको एक देसी नुस्खा कह लें, घरेलू नुस्खा, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगी आसानी से। इसके लिए आप अलसी के बीज ले लें, जिसको तीसी के नाम से भी जानते हैं, फ्लैक्सीड आप ले लें, अलसी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब उसको ऐसे ही पीस के आप पाउडर बना सकते हैं, या ऐसे भी ले सकते हैं उसको बिना पाउडर बनाए, उसको भूनना है, रोस्टेड नहीं करने की आवश्यकता। तो एक एक चम्मच सुबह शाम आप ले लें, चाहे उसका पाउडर ले लें या ऐसी बिना पीसे भी आप ले सकते हैं। एक एक चम्मच सुबह शाम खाली पेट लें, ज्यादा उचित रहेगा आपके लिए। सुबह नाश्ते से आधे घंटे पहले ले लें, रात को जब भी खाना खाते हैं आधे घंटे पहले ले लें, ऐसी ले लें हल्के से गुनगुने पानी से। ऐसी बीज ले रहे हैं तो अच्छी तरह से चबा कर पानी पी लें गुनगुना, बस यकीन मानिए महीने दो महीने अगर ले लेते हैं आप तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। जो स्थिर लेवल होना चाहिए, जो बढ़ा हुआ लेवल है आपका कोलेस्ट्रॉल, वो स्थिर रहेगा। बस ये है कि दिनचर्या में जैसे मैंने बताया कि खान पान पर ध्यान दें, दिनचर्या जैसे मैं बताता हूं हमेशा पेट भी साफ रखें जरूरी है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल स्थिर रहेगा। बस इस वीडियो में यही कहना था, जिस क्षेत्र में आप रहेंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।